वो आराम से सेव हो जाएगा। अब आ जाते हम लोग इसके ऊपर, वन, ये वन कैसे आया? ठीक है, तो अगर हमारा ये ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी, सी 90 है और बी जो है वो सपोज 30 डिग्री है और ए जो हमारा 60 है, ऐसा केस है पहले, बराबर। अब सेकंड केस ऐसा कुछ हो गया, ए सी और बी, ये हमारा हो गया 70 डिग्री, ये 90 और ये क्या हो गया 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, जैसे जैसे एंगल बी बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल बी बढ़ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन ए बी, ए बी और ए सी का डिफरेंस कम हो रहा है। जैसे जैसे एंगल बी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है 30 से 70 हुआ, तो जो डिफरेंस है डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस ए सी में वो कम हो रहा है। यानी जब बी जाके 90 होगा तो ए बी और ए सी दोनों इक्वल हो जाएंगे, दे विल बिकम ऑफ सेम लेंथ। जब बी जाके 90 होगा तो ए बी और ए सी किस किस क्या हो जाएंगे, सेम लेंथ के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बराबर। ये अप्रोक्सीमेशन है, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे सेम लेंथ के। अब इसमें आप साइन अप्लाई करो, साइन साइन ऑफ एंगल बी, बराबर। तो बी किसकी तरफ बढ़ रहा है, 30 से 70 हुआ, अब क्या होगा, बी जाके 90 होगा, क्या होगा 90। तो जब बी 90 होगा तो यहां पर साइन ऑफ एंगल बी ला दो, तो साइन ऑफ एंगल बी क्या होगा, बी क्या होगा, बी 90 होगा बच्चों, लेकिन साइन ऑफ एंगल बी, साइन का डेफिनेशन क्या होगा, ऑपोजिट कौन है, बी का ऑपोजिट कौन है, और हाइपोटेन्यूज कौन है, ए बी, बराबर है। एंगल बी क्या होने वाला है, तो साइन ऑफ 90, तो ए सी और ए बी क्या हो जाएंगे, जब ये साइन ये बी 90 हो जाएगा तो ए सी और ए बी क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल क्या हो जाएंगे, कैंसिल, कैंसिल में क्या बचेंगे, अरे 5/5 1, 10/10 50/50, तो ये जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है, तभी क्या हो जाएगा, 1। क्लियर होगा चीज, तो इस तरह से ये वैल्यूज आए बच्चों। सेम तरीके से, सेम ट्रायंगल से हम कॉस को भी निकाल सकते हैं और टैन को भी निकाल सकते हैं, बराबर। पर मैं तुमको इतना लंबा काम दूंगा नहीं, ऑल राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, ये सिर्फ जो फर्स्ट रो है इसकी वैल्यू को मेमोराइज कर लेते, उसके बाद से बाकी सारे वैल्यूज अपने आप बन जाते हैं, ठीक है, बाकी सारे वैल्यूज अपने आप बन जाएंगे। देखो कैसे, ये वन इधर, ये जीरो, जीरो का 90 में, 90 का जीरो में, 30 का 60 में, 60 का 30 में, और 45 का 45। आई सुन में, तो हमको सिर्फ ये टिप याद करना, अरे ये सुनो बच्चो, अच्छा मैं कई बार ना बच्चों वैल्यू तो हम लोग जीरो ही लेंगे पर इसको 0/1 बोलता हूँ मैं, चलेगा ना, सब में आप जीरो ही लेना, पर इस अभी के लिए फिलहाल के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, 0/1, इसको 1/1 नहीं समझा, 1/1 0/1, ठीक है। अब जो टैन होता है ना, टैन यहाँ पर देखो, बच्चों साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन होता है, क्या होता है, अच्छा कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन कॉस होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए अपॉन ए, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड, करेक्ट है, अरे बोलो बच्चों, अच्छा अगर मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये दोनों को डिवाइड कर दिया, साइन थीटा अपॉन, तो इधर क्या आएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होल अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, अब क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस इनटू हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, कौन कौन कैंसिल, क्या बचा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन होता है, नहीं समझा, अरे ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन होता है, टैन होता है, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या
अरे नहीं समझा, मतलब साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज नथिंग बट समझ में? तो मुझे अब टैन का वैल्यू फाइंड करना है, तो दिस अपॉन, अरे दिस अपॉन इज़न्ट इट, तो जीरो बाय वन, क्या बात है, ये सुनो, वन बाय टू अपॉन रूट थ्री बाय टू, दिस टू एंड टू विल गेट टू कैंसिल, और क्या बचेगा, वन अपॉन रूट थ्री, अरे बोलो ना भाई, ये देखो हाफ है, ठीक है, देखो ये ऊपर वाला ऐसी आएगा और इसका रेसिप्रोकल, तो इनटू टू बाय टू टू कैंसिल, क्या बचा वन बाय, अरे बराबर है, ऐसा नहीं समझ में आ रहा करके देख लेने का, दिस अपॉन दिस जीरो ना कैंसिल, ओके वन, अरे सेम और सेम बराबर ना, सेम नंबर जब एक दूसरे को काटते हैं बराबर है, तो जब जो दो सेम लोग एक दूसरे को काटते, मतलब एक दूसरे को काटते हैं तो क्या आता है वन, अब यहां पर देखो बच्चों लॉजिक समझा दो, नीचे भी टू है और इसके वाले में कि नीचे भी टू है, कैंसिल हो, इसके नीचे भी टू है, उसके नीचे भी टू है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, नीचे जा रहे हैं, और वही टू ऊपर होता तब नहीं होता, तब वो मल्टीप्लाई हो जाते, क्या हो जाते वो लोग मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, रूट थ्री अपॉन वन ना, दैट इज रूट थ्री, रूट थ्री अपॉन वन इज रूट थ्री, वन बाय जीरो जीरो, वन बाय जीरो जीरो बाय वन जीरो, और वन बाय जीरो भी जीरो, क्या होगा, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ये हमारे लिमिट के बाहर है, ये मैथमेटिक्स के लिमिट के बाहर है, मैथमेटिक्स में जीरो बाय एनीथिंग, जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो, बट मैथमेटिक्स में एनीथिंग बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, यस डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, समझ में आ रहा है, तो ये हमारे लिमिट्स के बाहर की बात है, यहां पर हम लिमिटेड हो गए, इसके लिए इलेवेंथ में एक चैप्टर बनेगा जिसका नाम होगा लिमिट्स, समझ में आया, और जब वहां पढ़ोगे लिमिट्स तब मालूम पड़ेगा नॉन डिफाइंड कौन है, आई बात समझ में, ऑल राइट, सो दिस इज इनफाइनाइट, द वैल्यू इज, दिस इज बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ 10th स्टैंडर्ड मैथ्स, तो ये जब बाउंड्री को पार कर दिया था लिमिट के बाहर चले गया, होता ना हर चीज की बाउंड्री होती है ना, हाँ हर चीज की बाउंड्री होती है, तो ये हमारे बाउंड्री के बाहर चले गया, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, एंड वी डोंट वांट टू डिफाइन इट राइट नाउ, हमको तो बस सीधा सीधा अच्छा अच्छा पढ़ने गए, तो नॉट डिफाइन, आगे सुन बच्चों, जब भी आपका डिनोमिनेटर जीरो होता है तो वो नॉट डिफाइन होता है, तो डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, ठीक है, तो मैथ्स में चलते चलते कोई समा कर दिया तुमने और तुम्हारा अचानक डिनोमिनेटर जीरो आ गया, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, ऑल राइट, तो ये बात समझ लो बच्चों, ये टेबल पूरा याद रखो, समझे, तो मैं क्या कह रहा था भाई, प्लस माइनस आएगा तुम लोगों, क्या आएगा, ये कौन सा प्लस माइनस, तो ऐसा आएगा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, बताओ कितना हो गया, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, बताओ कितना हो गया, तो कहां से हेल्प लोगे, टेबल से, साइन 30 कितना है, तो इसकी जगह आ जाएगा हाफ, प्लस का प्लस, कॉस 45 कितना है, 1 अपॉन रूट टू, समझ में आया, तो यही है प्लस माइनस की मैं बात कर रहा था, ये हमारा नाइन्थ का प्लस माइनस बेसिक ऑपरेशन का सम्स है, तो समझ में आया कि नहीं, तो इसके ऊपर एक्सरसाइज में कैसे सम्स है वो हम देख लेंगे, फिलहाल ये टेबल जो है इसको बनाना आना चाहिए आपको, या मेमोराइज करो, मेमोराइज करो तो एक लाइन मेमोराइज कर लो, बाकी तो तुम बना लोगे, ठीक है, हर एक क्लास में बच्चे बनाते हैं, हर एक क्लास में बच्चे लोग वैल्यूज को बनाते हैं, अरे समझ में आया, इसके नीचे और तीन रेशियो है याद है कि नहीं, वो कोसेक सेक और कॉट,
ठीक है बच्चों, तो अब सुनो बता देता हूँ तुम्हारे को, सिर्फ बता देता हूँ, अगर जरूरत अभी है नहीं लेकिन जरूरत पड़ा तो क्या है, जो कोसेक है ना, देखो कोसेक किसका उल्टा था बेटा, साइन का उल्टा था, तो साइन का ये इसका वैल्यू उल्टा कर दो, इसके लिए नीचे बन ले था, इसके लिए नीचे बन क्यों लिया, इसका उल्टा करो 1/0, इसका उल्टा करो 1/0, मतलब समझा, तभी इसके नंबर के नीचे मैंने नंबर लिया, ऐसे थोड़ी ले लिया, समझे कि नहीं समझे, हाँ इसका उल्टा दैट इज 2, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा 1/1 का 1, पक्का यस, इसका ये क्वेश्चन है, सेक नाम क्या था, सेक या ओके, डोंट मेक मिस्टेक, तो कॉस को जब उल्टा करोगे तो सेक मिलेगा, क्या मिलेगा, सेक यस, और टैन को जब उल्टा कर दोगे तो कॉट मिलेगा, टैन के एक एक वैल्यूज को जब उल्टा करोगे तो कौन मिलेगा, कॉट, समझ में आया, तो उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी की जरूरत है, ये पूरा बराबर से, कोई मिस्टेक मत करना बच्चों, कोई भी समय आए कहीं पर भी आए, तो ये आपको टेबल आराम से अपने वर्कशीट में बनाना रहेगा, जो आप सम्स करते हो उसमें हमेशा रहना चाहिए, ताकि आप हमेशा रेफर कर सको, ठीक है, सो दिस इज अ थिंग दैट हैज़ टू बी कॉपीड फॉर नोट्स, एंड नाउ विल स्टार्ट विद द सम, पहले क्या और एग्जांपल देख लेंगे कि सम्स आगे कैसे आने वाले हैं, 8.2 किसके ऊपर बेस्ड है, वो एग्जाम्पल देखने के बाद फिर हम लोग सम्स पे जाएंगे, ठीक है, स्टार्ट, ओके, तो टेंथ में ये सेम सम्स होंगे बच्चों, अब जो एक एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग ना, ये टेंथ में भी सेम सम होगा आपको, टेंथ में भी ये वाला मेथड यूज होगा, और एक एक्स्ट्रा एडिशनल मेथड यूज होगा जिसका नाम है फॉर्मूला मेथड, बराबर है, तो बहुत सारे टीचर्स तुमको फॉर्मूला मेथड से सम्स कराएंगे, बहुत सारे स्कूल्स बोलेंगे फॉर्मूला मेथड से सम करो, ठीक है, लेकिन जो अपने टेक्स्ट बुक में है अभी के लिए फिलहाल, वो सिर्फ और सिर्फ यूज करने क्या बोल रहे हैं, ट्राइंगल मेथड, कौन सा मेथड, जो मेथड मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं वैसे सारे मेथड से सम करा देता हूँ, ट्राइंगल मेथड का भी एग्जांपल ले लेता हूँ, और जो दूसरा वाला मेथड है उसको भी यूज कर लेते हैं, आप लोगों को जो जमेगा उससे सम्स कर लेना, या आप लोगों का स्कूल जो सिखाएगा उससे सम्स कर लेना, टेंथ में सेकेंड वाला मेथड जो है वो टेंथ में तो पूरा का पूरा मेथड ही वही है, तो नॉर्मली अगर मैं मुझे पूछोगे कि आप प्रीफर कर रहे हो सर, तो मैं ज़्यादा उस मेथड को प्रीफर करता हूँ, सेकेंड वाले मेथड को, ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करने के लिए ज़्यादा मैं ट्रिगो सेकेंड मेथड को प्रीफर करता हूँ, ताकि हमें टेंथ के लिए प्रैक्टिस हो जाता है, नाइन्थ में, टेंथ के लिए हमारे पास नाइन्थ में क्या हो जाता है, उसका एक प्रैक्टिस हो जाता है, दैट इज़ वाई ऐसे, कोई कंपल्शन नहीं है, अगर ट्राइंगल मेथड कर रहे हो, सम सॉल्व कर रहे हो, आंसर आ रहा है, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको कौन सा मेथड करना है, फॉर्मूला मेथड करना है कि नहीं करना है, तो देर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सम, वन इज ट्राइंगल मेथड, वन इज फॉर्मूला मेथड, वी विल बी सॉल्विंग द सम्स विथ बोथ द मेथड्स, ट्राइंगल मेथड फर्स्ट एंड देन द फॉर्मूला मेथड, ठीक है बच्चों, तो ट्राइंगल मेथड में सम कैसे आएगा वो पहले मैं आपको बता दूँ, तो एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको कोई भी एक रेशियो का वैल्यू दे देगा, फॉर एग्जाम्पल दे विल से 10 theta is equal to 1 upon 2 root 2, ठीक है, तो 10 theta equals to 1 upon 2 root 2, find all the other ratios, how many ratios are there, there are 6 ratios, you all know that, there are in all 6 ratios, yes or no, yes sir, sine, cos, tan, cosec, sec and cot, find all the remaining ratios, तो आपको एक रेशियो दे दिया है और बोलता है क्या, फाइंड ऑल द अदर रेशियोज, दिस कैन बी फाउंड आउट बाय बोथ द मेथड्स, द ट्रायंगल मेथड एंड द, तो मैं सबसे पहले बच्चों ट्रायंगल मेथड यूज करता हूं, ये मेथड सबसे इजी है, मेथड थोड़ा लॉन्ग कट है लेकिन ये सबसे इजी मेथड है, इसमें आंसर आने की गारंटी होती है, तो इसमें हम करते क्या है, इसके अंदर
हम सबसे पहले जो रेशियो दिया है उस रेशियो को डिफाइन कर लेते हैं। कौन सा रेशियो दिया है? कौन सा रेशियो दिया है? टैन दिया है। यस, क्या दिया है बच्चों? टैन। तो हम लिखेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है टैन थीटा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अरे यही होता है ना टैन अपना? यस, वही लिखेंगे। होता कि नहीं होता? ये बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, ठीक है बच्चों? दूसरा जो गिवन है उसको ले लो। तो गिवन क्या है? टैन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टू रूट टू। ये गिवन है, क्या है? ये ऐसा लिख देंगे। और फिर फाइनली बनेगा आपका एक ट्रायंगल, क्या बनेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने मन का, ए बी सी बना देने का। और जिस एंगल को थीटा देना है 90 वाले को छोड़ के उसको थीटा दे दो। तो इसको हम सपोज थीटा दे दे, क्या दे दे? थीटा, ठीक है बच्चों? अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये भी है टैन थीटा और ये भी है टैन थीटा, है इसका भी लेफ्ट हैंड साइड टैन थीटा है, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड। तो देयरफॉर अगर इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इन दोनों का राइट हैंड साइड क्या होगा? इक्वल। अरे बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड टैन थीटा, ये भी लेफ्ट हैंड साइड टैन थीटा है, तो इसका राइट हैंड साइड क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसका राइट हैंड साइड क्या है? अबे 1 अपॉन 2 रूट 2। यस सर, नो? यस सर। तो हम ऐसा कह सकते क्या? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अच्छा, किसका? ऑफ थीटा, ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2। अरे यस सर, नो? यस सर। कहां कहां से आया ये स्टेप और ये स्टेप से आया कि नहीं आया? ये भी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या देंगे? इक्वल। तो यही हमने किया, तो यही हमने ले लिया। yes, बराबर है? यस सर। एंड दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू। अच्छा, अभी ये रहने दो, चलो ये अभी बाद में थोड़ा समझ में आएगा। तो मुझे बताओ, तो ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? 1। और एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? डायरेक्टली, डायरेक्टली हो जाएगा 1 अपॉन। देखो बच्चों, यहाँ यहीं पर तुम्हारे खाते हो, ये डायरेक्ट आप ये नहीं बोल सकते कि ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा इज 1 एंड एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा इज 2 रूट 2, ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते। अगर सपोज यहाँ पर 1 बाय 2 रूट 2 नहीं होता, यहाँ पर ऐसा होता 4 बाय 8 रूट 2, क्या होता? 4 बाय 8 रूट 2। तो 4 1 जा 4 2 जा, तो इसका भी आंसर क्या? 1 अपॉन, नहीं समझा? यानी यहां पर कॉमन फैक्टर एक 4 हो सकता है जो बाद में कैंसिल हुए हो। yes, नहीं समझ रहे? yes, यहां पर एक कॉमन फैक्टर 4 हो सकता है जो बाद में जाके क्या हुआ है? कैंसिल। yes, आपको पता है क्या कुछ है कि नहीं? ये क्या फाइनल रेशियो है? हमको मालूम नहीं है, समझ रहे कि नहीं? yes, ये तो क्या बोलते हैं, रिड्यूस किया हुआ रेशियो भी हो सकता है, एक घटाया हुआ रेशियो भी हो सकता है। इसका ओरिजिनल क्या था मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तभी तो बोलते हैं लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, सुना है कहीं पर? लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। हाँ, तो जब ऐसा रेशियो होता है ना बच्चों, तो हम डायरेक्ट ही नहीं कहते साइड ऑपोजिट टू थीटा इज 1 एंड साइड ऑपोजिट टू थीटा इज 2 रूट 2, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलते। 1x एंड 2 रूट 2 एक्स, इस तरह से लेना पड़ता है, ठीक है? एक एग्जांपल करके और समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, हाफ का फाइनल आंसर क्या होगा? हाफ, अरे बोलो, 2 बाय 4 का फाइनल आंसर क्या होगा? 1/2। 3 बाय 6 का फाइनल आंसर क्या होगा? 1/2। समझो बात को, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, दिख रहा है? yes, yes. तो ये रेशियो जो है वो किसी का भी हो सकता है। अरे 3 बाय 6 का भी हो सकता है। yes, sir. Yes, sir. 2 बाय 4 का भी हो सकता है, 1 बाय 2 का भी हो सकता है, 6 बाय 12, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो रेशियो है इसमें कोई कंफर्मेशन है क्या? no, कि ये इसी का है? नहीं। अब वो कौन सा कॉमन चीज कट हुआ आपने मालूम? नहीं है। इसके लिए हम क्या लेते हैं? लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। अब समझ में आ गया? yes, sir.
पक्का समझा? तो आज के बाद से कभी भी कॉमन मल्टीपल लेगा तो कोई टेंशन आएगा? देखो बोल, नहीं आएगा ना? तो यहां से बोलेंगे बच्चों, therefore opposite side of theta will be equal to 1 k. कितना x लोगे यार, है कि नहीं? मतलब x भी बोर हो गया है, तुमने x को इतना लिया है, इतने बार सम में लिया है कि अब x भी क्या हो गया, तुमसे ज्यादा तुम्हारे सीनियर्स ने लिया। अरे अब तो 10th में गए ना लोग, तो उन्होंने x को 9th में भी लिया, 10th में भी लिया, x को 8th में भी लिया, 7th में भी लिया, 6th में भी लिया, अब तुम भी वही करोगे, x को ही लोगे, तुम k को लो, किसको लो? k को। और adjacent side of theta will be 2√2k। देखा तुमने k को लिया तो देखो डायना भी अगर 2√2 समझा कि आया? अब जाते इसके पास, अब ये वैल्यूज हो गए तो ये सब लेके जाते हैं इस ट्रायंगल के पास हम लोग। ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा, थीटा का ऑपोजिट साइड कौन है बच्चों? तो इसको लिख देंगे 1k। देखो एडजेसेंट साइड कौन है इसका? अरे हाइपोटेन्यूस तो मालूम है ना, बीसी है ना एडजेसेंट। अरे बोल भाई, ये 2√2k। ठीक है बच्चों, तो ये सम करने का ये फर्स्ट स्टेप होता है बाय ट्रायंगल मेथड का, ये फर्स्ट स्टेप है। यहाँ तक आ जाओ, ये सब निकाल दो, जो मिल रहा है हाइपोटेनस मिलता है हाइपोटेनस निकाल दो, एडजेसेंट मिलता है एडजेसेंट, दो मिलेंगे कोई भी। अरे ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं ना, तो तीन में से दो कोई भी मिलेंगे, दो कोई मिलेंगे, थर्ड वाले क्या करेंगे हम लोग फाइंड करेंगे। और थर्ड वाले को एक ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे फाइंड कर सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दो मिल गए तो थर्ड को कैसे फाइंड कर सकते हो? एज सिंपल एज दैट। तो ये जो सेकेंड स्टेप होगा वो बोलेगा इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर अप्लाई अपने हाइपोटेन्यूस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस बोलना, अरे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर कौन है इसमें? एसी, एसी स्क्वायर, उसको बीसी दिखता है। एसी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बाय पाइथागोरस थ्योरम। अंडरस्टूड? Therefore, AC square is equal to how much is AB? 1 square. How much is BC? 2√2k. ठीक है बच्चों, तो देखो AC square will be equal to ये 1k यानी k और k का square यानी k square। अरे यस नो? अच्छा यहाँ पर देखो नंबर भी है और k भी है, वेरिएबल भी, नंबर भी है और वेरिएबल भी, और नंबर में नंबर का रूट है, तो इसमें थोड़ा एकदम सोचो। तो सबसे पहले जो नंबर खाली है जिसके अंदर कोई रूट नहीं, नहीं है, उसका स्क्वायर कर लो, कितना है? तो 4 आ गया। इनटू जो रूट में है उसका स्क्वायर कर लो, 2। रूट वाले का स्क्वायर क्या आएगा? सेम नंबर, कोई भी नंबर रूट में है उसका स्क्वायर करो तो वही नंबर सेम आएगा, तो इनटू 2 हो गया। और के का स्क्वायर के स्क्वायर, तो आंसर क्या हो गया बच्चों? 8k स्क्वायर, 8k स्क्वायर। तो इधर आएगा आपका 8k स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये है 1k स्क्वायर 1k स्क्वायर है ना क्या, और ये 8k स्क्वायर, दोनों मिलकर तो कितने k स्क्वायर हो गए? 9k स्क्वायर। शाबाश, तो ये ac स्क्वायर इक्वल्स टू 9k स्क्वायर। ओके 9k स्क्वायर। अभी ac को ढूंढना, आप देखो ac स्क्वायर चाहिए क्या? नहीं, ac को ढूंढना है तो अब क्या करोगे? इसका रूट ले लो, ac = रूट 9। तो इधर रूट ले लिया तो ac स्क्वायर का ac हो गया, और 9 का रूट क्या होता है? 3। और k स्क्वायर का रूट k, k स्क्वायर का रूट k। तो ac कितना हो गया बच्चों? 3। यहां लिख दो यहां 3k, बस ये काम हो गया सेकंड स्टेप का। ठीक है, अब अपना क्या काम है? बाकी सारे रेशियोज को फाइंड करना है, बाकी सारे रेशियोज को फाइंड करना। तो आपके पास टाइम था, आप साइन से स्टार्ट कर दो। तो ये थर्ड स्टेप का फर्स्ट, साइन थीटा जो होगा ऑपोजिट अपॉन, तो जाइए यहां पर थीटा देखिए कौन है, थीटा ये है, इसका ऑपोजिट कौन है? तो ये 1k।
अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है? शाबाश, ये 3k, के कैंसिल, नेक्स्ट का ढूंढेंगे हम लोग कॉस, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है? एडजेसेंट अपॉन, तो एडजेसेंट कौन है इसका? 2√2k, और हाइपोटेन्यूज के, ठीक है बच्चों? आप किसको टैन तो मिल गया है, तो अभी कौन सा? कोसेक, साइन को उल्टा ना, कोसेक, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा इसका उल्टा 3/1, ये सुनो 3/1, नेक्स्ट फोर्थ सेक थीटा 2√2, और नेक्स्ट कॉट थीटा, कॉट किसका उल्टा बच्चों? कॉट किसका उल्टा? टैन का उल्टा, कॉट किसका उल्टा? तो ये तो बिना बताए भी आंसर आ सकते थे अपन, है ना, बिना किए भी आंसर आ जाता है, इसका उल्टा 2√2। तो ये बच्चों ये हो गया हमारा सारा रेशियो, तो ऐसे ही आता है, और सबसे अच्छी बात है आपको सारे रेशियो फाइंड करने नहीं आते, एग्जाम में ऐसा देंगे तो उन्हें एक रेशियो बोल देंगे, कोई भी एक रेशियो फाइंड करो, या दो रेशियो फाइंड करो, या तीन फाइंड करो, सबके लिए नहीं आता है, बट हम लोग प्रैक्टिस करें सबके लिए, ताकि हमारा एक हैबिट जो है वो हम लोग रेडी हो जाए, नहीं समझा? ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो सम था, वैसे जो मैंने कराया है, ये आपका एक्सरसाइज 8.2 है ना, उसका अब एक सम है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सम, मतलब उसका करा दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सम जो है, तो ये मैंने ट्रायंगल मेथड से आपको करा दिया, आगे समझ में? तो कुल कितने स्टेप लगते हैं इसमें? 3 स्टेप, पहले स्टेप में हम ये सब डेफिनेशन लेते हैं, डेफिनेशन लिया, फिर इसको जो गिवन था वो लिया, फिर दोनों को इक्वेट किया, फिर ऑपोजिट जो बाकी दो साइड फाइंड किए, दो साइड फाइंड किए विद द रेशियो विद द कॉमन मल्टीपल, बाद में उनको जाके हमने ट्रायंगल में प्लेस कर दिया, ट्रायंगल में प्लेस करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, दो साइड गिवन तो थर्ड साइड फाइंड किया, कोई भी दो साइड गिवन होगा थर्ड साइड फाइंड करने का, जब वो थर्ड साइड मिल जाए तो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को स्टडी करेंगे कि कितने फॉर्मूलाज हैं, जब फॉर्मूला मालूम रहेगा तभी तो अप्लाई कर पाएंगे उस चीज़ को, तो सब जन सीधा सीधा बैठ जाओ और फॉर्मूला को पहले सुनो, समझो, और फिर जाके हम उसको सम में अप्लाई करेंगे। तो पहला तीन जो फॉर्मूला है बच्चों वो है आइडेंटिटी, क्या बोलो? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी 1, आइडेंटिटी 2, आइडेंटिटी 3, इसके हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। दूसरा है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। दूसरी आइडेंटिटी क्या कहता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? और थर्ड आइडेंटिटी जो है वो कहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? आई बात समझ में? बड़ा सिंपल सा बात है बच्चों, साइन थीटा का कोई भी एक वैल्यू बताओ, साइन 30 ले लो, किसको ले लो? साइन 30 ले लो, ठीक है? तो साइन 30 कितना होता है बच्चों? 1/2, ठीक है? कॉस 30 कितना होता है? √3/2, साइन 30 क्या होता है? 1/2 उसका स्क्वायर, कॉस 30 क्या होता है? √3/2 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना आ गया? 1/4, इसका आंसर कितना आ गया? 1/4, इसका आंसर √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, कितना होगा? दोनों सेम है तो 4, और नीचे 1+1, 4, तो वेरीफाई करना बड़ा आसान है, कोई भी एक वैल्यू ले लो टेबल में से, जहां जहां थीटा वहां वहां उसका वैल्यू पुट कर दो,
और पुट करने के बाद क्या कर सकते हो, वेरीफाई करके देख सकते हो। तो 1 प्लस 10 10 30, देख रहे हो, देखो यहाँ पर देखो 1 प्लस 10 45 का वैल्यू क्या, 1, खाली बता रहा हूँ, 1 प्लस 10 10 45 क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर दोनों मिलकर कितना आ गया, 2, समझ में। तो sec square theta equals to 2, तो sec theta क्या हो जाएगा, root 2, और टेबल में देखोगे ना 1 upon root 2 कौन सा है, sec 45, cos 45, cos 45 1 upon root 2 है, तो sec 45 क्या होगा उसका उल्टा, 1 upon root 2 का उल्टा 2, root 2, समझ में आ रहा है। तो बच्चों ये सब वेरीफाइड है, ये फॉर्मूला तो आपको सिर्फ स्टडी करना है, वेरीफाई करना है, तो कोई भी वैल्यू वैल्यू आप पुट करके देखो अपने आप क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये वाला किया, तो राइट हैंड साइड आएगा नहीं आया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड आएगा नहीं आया, तो ऐसा सब में वेरीफाइड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आइडेंटिटीज हो गए। उसके बाद सिंपल फॉर्मूलाज बता दो, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन किसका उल्टा, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, और टैन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। तो कोसेक क्या होगा, देखो साइन 1 अपॉन कोसेक है, तो कोसेक क्या होगा, अरे कोसेक उधर जाएगा साइन नीचे आएगा, तो कोसेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन, तो ये उल्टा भी है, देखो साइन 1 अपॉन कोसेक है, तो कोसेक इज 1 अपॉन साइन, कॉस 1 अपॉन सेक है, तो सेक इज 1 अपॉन, अरे बच्चों ये इधर चले जाएगा इधर चले जाएगा, सीधी सी बात है, ये इधर नीचे आ जाएगा ये ऊपर चले जाएगा, समझ में आ रहा है, टैन 1 अपॉन टैन इज 1 अपॉन कॉट, तो कॉट इज 1 अपॉन, हाँ तो सिर्फ तो बच्चों ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। एक बात और जान लो, टैन थीटा ये भी होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा है ये भी होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इतने सब फॉर्मूलाज है, अब इन्हीं के ऊपर बेस्ड एक सम ले लेते, ये जो फॉर्मूला है इन्हीं के ऊपर बेस्ड एक सम ले लेते। तो एक मैं बुक का ही सम ले लेता हूँ जो आपका एक्सरसाइज का भी सम है, ताकि वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं गिवन ये है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। फाइंड द अदर रेशियोज, यानी हम सब रेशियो फाइंड कर रहे हैं, आपको सब में एग्जैक्टली वो नहीं दिया है, सब में आपको सिर्फ दो ही फाइंड करने बोला है, साइन और टैन, हम सब को ही फाइंड कर रहे हैं। तो कॉस थीटा है 1/√3, फाइंड अदर रेशियोज, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ये सम सॉल्व करने से पहले, या कोई भी सम सॉल्व करने से पहले, मैं ये चाहता हूँ बराबर कि तुम वेरीफाई करके देख लो कि कहीं पर ये जो वैल्यू दिया है यहाँ पर, ये कहीं पर टेबल में था या नहीं था। अगर ये वैल्यू जो दिया है ये टेबल में था या नहीं, मतलब है या नहीं है टेबल के अंदर, जो टेबल हमने बनाया था टेबल में नहीं है, टैन में नहीं, कॉस कॉस के कॉस में नहीं है, सारे टेबल बनाए थे, टेबल कितने बने थे, एक ही दो टेबल बने थे, कहां पर हो, टेबल तो एक ही बना था। तो बच्चों सबसे पहले आप वेरीफाई करके देख लेने का कि जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू, आप ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना कि पूरा हिल जाएगा, समझे ना, जो वैल्यू यहां पर दिया है, नहीं तुम लोग ले रही है, वो वैल्यू टेबल में है या नहीं है, समझ में, वो सबसे पहले चेक कर लो। अगर टेबल का वैल्यू है तो थोड़ा मेथड डिफरेंट हो जाएगा, वो सब भी मैं करा दूंगा, मतलब थोड़ा मेथड और इजी हो जाएगा, अगर टेबल का वैल्यू होगा तो मेथड थोड़ा और आसान हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा,
और टेबल का वैल्यू नहीं है तो हम कैसे करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे देखते हैं। तो हमें फाइन क्या क्या करना है, हमें फाइन करना है बच्चों साइन थीटा और टैन थीटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर वन का सम है, एक ये वैल्यू दिया है और ये दोनों वैल्यू को क्या करना है, फाइन करना है। ठीक है, तो जाएंगे फॉर्मूलाज के पास। तो सारे फॉर्मूला के पास जब जाएंगे हम लोग, तो पहला फॉर्मूला हम क्या देख रहे हैं, साइन है कॉस, सॉरी साइन नहीं है कॉस है और वन तो है, तो ये इक्वेशन हो गया ना एक, जिसमें भी इक्वल टू साइन होता है वो एक इक्वेशन होता है। तो इस इक्वेशन में एक ही वैल्यू मिसिंग है, कौन सा वैल्यू, तो जब एक अननोन होते हैं तो क्या हमें मिल जाएंगे, यस इफ देयर इज ओनली वन अननोन वी कैन फाइंड दैट अननोन। समझ में आया, तो ये आइडिया ऐसे लगेंगे भाई हमारे पास कॉस है ना, तो कॉस वाला है वैल्यू, उसके वैल्यू को पुट करो और साइन के वैल्यू को गेट करो। नहीं समझा, यस तो सोल्यूशन कुछ ऐसा बनेगा आपका, वी नो दैट साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू वन। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने, फॉर्मूला याद है तो अब साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस टीटा कितना है, तो इधर आ जाएगा वन अपॉन रूट थ्री और बाद में दवा उसका स्क्वायर है, इधर कॉस टीटा का वैल्यू रख दिया और स्क्वायर था तो स्क्वायर का वैल्यू ले लिया इक्वल्स टू वन। तो साइन स्क्वायर टीटा प्लस बच्चों ये क्या आ जाएगा, वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा और रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू वन। अब ये उधर जाएगा वन बाई रूट थ्री उधर जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू वन माइनस वन बाय थ्री, ये सुनो ये वन उधर था ये वन बाय थ्री उधर गया तो माइनस हो जाएगा। अरे ये सुनो, तो साइन स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर थ्री उधर वन, तो थ्री माइनस वन अपॉन थ्री, तो साइन स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू कितना आया टू अपॉन थ्री, तो साइन स्क्वायर टीटा टू अपॉन थ्री है, तो साइन टीटा क्या हो जाएगा, साइन टीटा हो जाएगा बच्चों इसका रूट रूट टू बाय थ्री। अरे ना टू किसी का स्क्वायर है ना थ्री किसी का स्क्वायर है, तो जब उनका रूट लेंगे तो दोनों के दोनों किसमें आ जाएंगे, रूट में आ जाएंगे। समझ में आया, तो ऐसा तो ये आंसर हो गया साइन टीटा का। तो ये आपने फाइंड कर लिया किसको, साइन टीटा को। अच्छा ये सम ट्राइंगल मेथड से कर सकते थे, अरे ये वाला सम ट्राइंगल मेथड से हो सकता कि नहीं, हो सकता है या नहीं हो सकता है, बराबर है डेफिनेशन लिखने का, कंपेयर करने का, ट्राइंगल बनाने का, वैल्यूज देने का, बाद में हाइपोथेनस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके वैल्यू फाइंड करने का और फिर रेशियोस को, ये सर नो, तो मिल गया साइन मिल गया। आप किसे ढूंढना है, हमें टैन को। तो बच्चों टैन का फॉर्मूला नेक्स्ट फॉर्मूला बताओ, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप टैन होता है साइन टीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन टीटा कितना बच्चों रूट टू अपॉन रूट थ्री, ऐसा भी लिख सकते हैं, साथ में रूट में लिख दो या अलग अलग रूट में लिख दो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन वन अपॉन, मैंने क्या बताया था शॉर्टकट, इसके नीचे भी रूट थ्री है और इसके नीचे वाले नंबर भी अगर वही सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, क्या आंसर, रूट टू अपॉन वन इज रूट टू, दैट इज टैन टीटा इक्वल्स टू रूट टू। ये फॉर्मूला मैथड पूछो, ये आपका है कौन सा फॉर्मूला मैथड, ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ये सारे फॉर्मूलाज है ये सब याद होने चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये फॉर्मूलाज याद है तो ये सब आप आराम से कर पाओ। तो बोलो दोनों मेथड देखा तुमने, कौन सा मेथड इजी लगा, तो यू कैन अप्लाई देयर इज नो प्रॉब्लम। सिर्फ शर्त क्या है, क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का टाइम अच्छा होना चाहिए और स्क्वायर और रूट, स्क्वायर और रूट ये सब क्लियर होना चाहिए, ये तो स्क्वायरिंग करने में रूट लेने में तुम परेशान हो जाओगे। ठीक है बच्चों, अब इसी में मैं ऐसे सम्स को थर्ड टाइप ऑफ सम बोलता हूँ, मेथड तो दो ही आपको ट्रायंगल एंड फॉर्मूला, पर अगर ऐसे सम आ जाए तो उसको मैं थर्ड कैटेगरी में डिफाइन कर देता हूँ, बराबर है, और ये कैटेगरी और सिंपल मैं बोल देता हूँ, जैसे कि जो गिवन है मुझे, क्या गिवन है, टेन टीटा इक्वल्स टू वन, तो दिस इज गिवन टू मी करेक्ट। अब मैं जैसे ही मेरा टेबल में देखूंगा ना तो उसमें
टेबल में ये टैन का वैल्यू है, टेबल में ये टैन का वैल्यू है। इसके पहले जो दो सम आपने किया उसमें ना कॉस का वैल्यू था और उससे पहले जो आपने टैन किया था ना टैन का वैल्यू टेबल में, दोनों ही टेबल में नहीं थे। तो जब ये टेबल का वैल्यू आ जाए, यहां पर वो जो रेशियो दिया है उसी रेशियो का टेबल का वैल्यू आ जाए तो सम और सिंपल हो जाता है। उसमें फिर क्या करना है, फिर देखो आप, आपको एक वैल्यू दिया है और ये दो वैल्यू फाइंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द सम, ये आपके क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड सम है, ठीक है। तो इसके अंदर tan थीटा इज इक्वल टू वन ये गिवन है, ठीक है बच्चों। फिर मैं बोलता हूं वो वैल्यू जो टेबल में से वन है, तो tan 45 इज इक्वल टू वन, या डेफिनेशन क्या बोल सकते इसको हम लोग, tan 45 का डेफिनेशन क्या वन है, देखो टेबल में tan 45 वन है, यस सर। तो यहां से tan थीटा वन है, यहां से tan 45।